वली होता है लड़की की तरफ से, जो लड़की की शादी कर रहा होता उसे कहते हैं वली सरपरस्त, और लड़की का जो वली है वो बाप होता है। लड़की की तरफ से जो वली है उसका बाप है। अगर बाप मौजूद नहीं है तो फिर जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा वो उस बच्ची का वली बनेगा। पहले नंबर बाप, अगर बाप मौजूद नहीं तो फिर भाई वली बनेगा, भाई मौजूद नहीं चचा वली बनेगा, चचा मौजूद नहीं मामू वली बनेगा। अगर कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं तो फिर वक्त का हाकिम और काजी जो है वो वली बनेगा उस औरत का, क्योंकि ला निकाह इल्ला बिवली, जिन वली के बगैर निकाह होता ही नहीं, वली के बगैर निकाह नहीं होता। ये जो हमारे माशरे के अंदर है कि लड़कियां भाग जाती हैं, शादियां कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती, कोई निकाह नहीं होता। ला निकाह इल्ला बिवली, जिन बाप मौजूद है, बाप की मौजूदगी में अगर कोई औरत घर से बाहर निकलकर शादी करती है तो उसका निकाह नहीं है, क्योंकि उसका जो वली बाप है वो मौजूद है, जो उसकी सरपरस्ती करने वाला है, जो उसकी देखभाल करने वाला है। ला निकाह इल्ला बिवली शिर, वली के बगैर निकाह नहीं होता। हाँ, बेवा जो औरत है, बेवा औरत है, जो बेवा औरत है अगर वो निकाह करना चाहती है तो उसकी औलाद भी है तो उसका बेटा वो वली बन सकता है, वो भी वली बन सकता है, बेवा का बेटा भी वली बन सकता है। और वली के बगैर निकाह नहीं होता, वली होना लाजमी है, जरूरी है। अगर वली मौजूद नहीं है, ना बाप मौजूद, ना भाई मौजूद, ना चचा मौजूद, ना मामा मौजूद, कोई भी करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो उस बच्ची का वली हाकम बनेगा, क्योंकि मदीने के ताजदार ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिइज्नी वली मुर्शिदिन औ सुल्तानी। निकाह नहीं होता वली की इजाजत के बगैर, जो खैर हुआ है, जो भलाई करने वाला उस खातून के साथ है। अगर वली नहीं है तो फिर हाकिमी ने वक्त जो है, काजी जो है वो बनेगा उस औरत का, और फिर उस औरत का निकाह होगा। लिहाजा निकाह के लिए वली का होना ये जरूरी है, और वली में सबसे पहला जो नाम आता है वो वालिद का आता है, फिर नाम आता है भाई का आता है, फिर नाम आता है चचा का आता है, फिर नाम आता है मामू का नाम आता है। जो सबसे करीबी रिश्तेदार है वो उस औरत का वली बनेगा, और जो बेवा खातून है, बेवा खातून का उसका बेटा भी वली बन सकता है।